यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 47। यहेजकेल भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 47। फिर वह मुझे भवन के द्वार पर लौटा ले गया और भवन की डेवढ़ी के नीचे से एक सोता निकलकर पूर्व की ओर बह रहा था। भवन का द्वार तो पूर्वमुखी था और सोता भवन के पूर्व ओर वेदी के दक्षिण नीचे से निकलता था। तब वह मुझे उत्तर के फाटक से होकर बाहर ले गया और बाहर बाहर से घुमाकर बाहरी अर्थात पूर्वमुखी फाटक के पास पहुंचा दिया और दक्षिणी अलंग से जल पसीज कर बह रहा था। जब वह पुरुष हाथ में मापने की डोरी लिए हुए पूर्व ओर निकला, तब उसने भवन से लेकर हजार हाथ तक उस सोते को मापा और मुझे जल में से चलाया और जल टखनों तक था। उसने फिर हजार हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया और जल घुटनों तक था। फिर और हजार हाथ मापकर मुझे जल में से चलाया और जल कमर तक था। तब फिर उसने एक हजार हाथ मापे और ऐसी नदी हो गई जिसके पार मैं न जा सका, क्योंकि जल बढ़कर तैरने के योग्य था, अर्थात ऐसी नदी थी जिसके पार कोई न जा सकता था। तब उसने मुझसे पूछा, हे मनुष्य के संतान, क्या तूने यह देखा है? फिर उसने मुझे नदी के तीर लौटाकर पहुंचा दिया। लौटकर मैंने क्या देखा कि नदी के दोनों तीरों पर बहुत से वृक्ष हैं। तब उसने मुझसे कहा, यह सोता पूर्वी देश की ओर बह रहा है और अराबा में उतरकर ताल की ओर बहेगा और यह भवन से निकला हुआ सीधा ताल में मिल जाएगा और उसका जल मीठा हो जाएगा और जहां जहां यह नदी बहे वहां वहां सब प्रकार के बहुत अंडे देने वाले जीव जंतु जिएंगे और मछलियां भी बहुत हो जाएगी, क्योंकि इस सोते का जल वहां पहुंचा है और ताल का जल मीठा हो जाएगा और जहां कहीं यह नदी पहुंचेगी वहां सब जंतु जिएंगे। ताल के तीर पर मछुए खड़े रहेंगे और एन गदी से लेकर एनिग्लेम तक वे जाल फैलाए जाएंगे और उन्हें महासागर की सी भांति भांति की अनगिनत मछलियां मिलेंगी, परंतु ताल के पास जो दलदल और गड्ढे हैं उनका जल मीठा न होगा, वे खारे ही रहेंगे और नदी के दोनों तीरों पर भांति भांति के खाने योग्य फलदायी वृक्ष उपजेंगे जिनके पत्ते न मुरझाएंगे और उनका फलना भी कभी बंद न होगा, क्योंकि नदी का जल पवित्र स्थान से निकलता है। उनमें महीने महीने नए नए फल लगेंगे, उनके फल तो खाने के और पत्ते औषधि के काम आएंगे। परमेश्वर यहोवा यो कहता है, जिस सिवाने के भीतर तुमको यह देश अपने बारह गोत्रों के अनुसार बांटना पड़ेगा वह यह है, यूसुफ को दो भाग मिले और उसे तुम एक दूसरे के समान निज भाग में पाओगे, क्योंकि मैंने शपथ खाई कि उसे तुम्हारे पितरों को दूंगा, सो यह देश तुम्हारा निज भाग ठहरेगा। देश का सिवाना यह हो, अर्थात उत्तर ओर का सिवाना महासागर से लेकर हेतलोन के पास से सदात की घाटी तक पहुंचे और उस सिवाने के पास हमात बेरोता और सिब्रेम जो दमिश्क और हमात के सिवानों के बीच है और हसहर्तिकोन तक जो हौरान के सिवाने पर है और यह सिवाना समुद्र से लेकर दमिश्क के सिवाने के पास के हसरेनोन तक पहुंचे और उसकी उत्तर ओर हमात हो, उत्तर का सिवाना यही हो और पूर्वी सिवाना जिसकी एक ओर हौरान दमिश्क और यर्दन की ओर गिलाद और इसराइल का देश हो। उत्तरी सिवाने से लेकर पूर्वी ताल तक उसे मापना, पूर्वी सिवाना तो यही हो और दक्षिणी सिवाना तामार से लेकर कादेश के मरीबोत नाम सोते तक और मिस्र के नाले तक और महासागर तक पहुंचे, दक्षिणी सिवाना यही हो और पश्चिमी सिवाना दक्षिणी सिवाने से लेकर हमात की घाटी के सामने तक महासागर हो, पश्चिमी सिवाना यही हो। इस प्रकार देश को इस्राएल के गोत्रों के अनुसार आपस में बांट लेना और
इसको आपस में और उन परदेशियों के साथ बांट लेना जो तुम्हारे बीच रहते हुए बालकों को जन्माए, वे तुम्हारी दृष्टि में इस देशी इसराइलियों की नाई ठहरे और तुम्हारे गोत्रों के बीच अपना अपना भाग पाए। जो परदेशी जिस गोत्र के देश में रहता हो उसको वही भाग देना। परमेश्वर यहोवा की यही वाणी है।